जायंट रोबोट फायर इंजन। दो रोबोट के बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। इसके बाद के परिणाम इस कहानी में देखेंगे। एक शहर के फायर स्टेशन में वल्लभ नाम का अधिकारी काम कर रहा था। आसपास में कहीं भी आग लगी हो, तुरंत ही वहां पहुंचकर आग बुझाकर लोगों को बचाते रहता था। एक फोन कॉल आता है। सर, सर, हमारे घर में आग लग गई है, तुरंत आकर हमें बचाइए। आप डरो मत, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इस तरह फायर इंजन के साथ उस जगह पर पहुंचकर आग बुझाकर घर वालों को भी बचाता है। पर घर का मालिक कहता है, आप तो भगवान का रूप हो, हमारी जान बचाई, आपका एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। लोगों के हित के लिए काम करना ही मेरा कर्तव्य है। इस तरह वहां से फायर इंजन के साथ वापस स्टेशन पहुंचता है। अगले दिन एक कार रोड पर जाती रहती है, अचानक उस कार में आग लग जाती है। वहीं आसपास खड़े एक आदमी के फोन करने पर फायर इंजन का अधिकारी वल्लभ अपने फायर इंजन से वहां आकर आग बुझाकर कार में फंसे लोगों को बचाता है। एक दिन वल्लभ घर से फायर स्टेशन आते रहता है। इतने में कुछ गुंडे शहर में बंदूक से वार करते रहते हैं। बम भी डालते रहते हैं। वल्लभ भी दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते रहता है। इतने में फायर स्टेशन का फायर इंजन रोबोट की तरह तब्दील होकर गुंडों पर हमला करके उन्हें भगा देता है और पानी का छिड़काव करके आग को बुझाता है। तब वल्लभ को वाह रे वाह, ये रोबोट कहां से आया? गुंडों पर बहुत अच्छा हमला कर रहा है। मैं अभी तुरंत जाकर मेरा फायर इंजन लेकर आता हूं और आग को बुझाकर लोगों की मदद करता हूं। इतना सोचकर तुरंत फायर स्टेशन जाता है, लेकिन वहां पर फायर इंजन दिखाई नहीं देता। अरे, यहां फायर इंजन क्यों नहीं है? कहां चला गया? कौन ले गया होगा? आग फैलकर सारे घर जल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? बड़े ऑफिसर को क्या जवाब दूं? इतना चिंता करते हुए फायर स्टेशन के आंगन में आता है। इतने में आकाश में उड़ते हुए एक रोबोट वल्लभ के पास आकर उतरता है। तब वल्लभ कहता है, रोबो, आज तुम नहीं होते तो यह सारा शहर जलकर राख हो जाता। समय पर आकर सबको बचा लिया, उन गुंडों को मार कर भगाया। वैसे मेरी एक डाउट है, ये बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? मैं यहीं रहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया। यहीं रहते हो? लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्योंकि मैं तुम्हारे फायर इंजन के रूप में रहता हूँ। इस तरह रोबोट फायर इंजन के रूप में बदल जाता है। सब कुछ देखकर वल्लभ बहुत शॉक होकर कहता है, तुम फायर इंजन की तरह कैसे बदल गए? तुम यहाँ क्यों हो? इस तरह पूछने पर रोबोट अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। हमारे प्रांत में हम सब बहुत खुशी से रहते थे। उसी समय एक बैड रोबोट ने वहाँ आकर हम पर हमला करके स्पेस शटल ले जाने की कोशिश की। तब मैंने उस पर हमला किया था, लेकिन मैं उस रोबोट को हरा नहीं पाया। हमारे प्रांत को उसने तहस नहस कर दिया था। तब मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे अधिकारी हो, इसीलिए तब से फायर इंजन के रूप में यही हूँ। तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सुनकर बहुत खुशी हुई। बाद में अंतरिक्ष से एक बैड रोबोट धरती पर आते हुए कहता है, वाह, अंतरिक्ष पर मेरा ही अधिकार है, अभी धरती पर भी मेरा अधिकार होना चाहिए। इस तरह शहर में आता है। वह बैड रोबोट सारे घर को और गाड़ियों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है।
समाचार पाकर फायर अधिकारी वल्लभ कहता है, अंतरिक्ष से आया वो बैड रोबोट शहर का सत्यानाश कर रहा है, तुरंत ही रोबोट के रूप में बदलकर उसे भगाओ। इतना कहने पर फायर इंजन रोबोट में बदलकर हवा में उड़ते हुए बैड रोबोट के पास जाता है। तुम अभी जिंदा हो, उस समय तो तुम बच गए, लेकिन आज मेरा सपना सच होगा। ये तुमसे नहीं होगा, मेरे पास मानव शक्ति भी है, तुम्हारे जैसे बैड रोबोट की कोई जरूरत नहीं। आज तुम्हारा खेल खत्म। दोनों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार बैड रोबोट थककर भागने लगता है। तब गुड रोबोट उस बैड रोबोट को जला देता है। बाद में वह इंजन के रूप में बदलकर स्टेशन चला जाता है। इस तरह लोगों की मदद करते रहता है। मैजिकल लेक, मगरमच्छ और जलकन्या। एक तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के सभी मछलियों को मारकर खुश हो जाता था। एक दिन तालाब के किनारे बैठकर मगरमच्छ सोच रहा था, इस तालाब के सारे मछलियों को मार दिया, अभी यहाँ से जाकर दूसरे तालाब को ढूंढना होगा। इस तरह सोचते हुए पास के एक मैजिकल तालाब के पास जाकर कहता है, वाह कितना बड़ा तालाब है, लगता है यहीं सारी मछलियां हैं। सारी समस्याएं खत्म, जितना चाहो उतना खा सकता हूँ। इस तरह तालाब में जाने ही वाला होता है, इतने में एक बिजली की चमक आकर छूने से शॉक लगने से वह दूर जाकर गिरता है। उसी समय तालाब से एक जलकन्या आकर कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो? इस तालाब में सिर्फ हम लोग ही रहते हैं, बाहर वालों को यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारी जल महारानी से कह दूंगी। तब मगरमच्छ अपने मन में सोचता है, ये साधारण तालाब नहीं, जादुई तालाब है, किसी भी तरह मुझे यहीं रहना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मगरमच्छ जलकन्या से कहता है, माफ कर दीजिए, आपकी अनुमति के बगैर मैं इस तालाब में प्रवेश किया, कुछ डाकुओं ने मेरे घर वालों को मार दिया है, इसलिए मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ? मैं अभी हमारे जल महारानी से तुम्हारे लिए अनुमति लेकर आती हूँ, तब तक तुम नहीं रुको। इस तरह जलकन्या तालाब के बीच में बैठी जल महारानी के पास जाकर कहती है, रानी साहिबा, दूसरे तालाब से एक मगरमच्छ यहाँ आया है, बेचारे के माँ बाप को किसी ने मार दिया है, वह अकेला बहुत दुखी है, इसलिए आपकी अनुमति हो तो मैं उसे हमारे साथ रहने के लिए कहूँ। अरे बेचारा, किस्मत का मारा, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। तब जलकन्या जाकर मगरमच्छ को ले आती है। रानी साहिबा, मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन तुम्हें हम जो शाकाहारी भोजन देंगे वही खाना होगा, और सबके साथ मिलजुल कर खुशी से रहना है। अभी जाओ तालाब की सैर करो।
वहां से दूर जाते हुए मगरमच्छ सोचता है, मैं इतना आज्ञाकारी नहीं हूँ, मुझे वह बकवास शाकाहारी भोजन खाना होगा। यहाँ तो बहुत खूबसूरत मछलियाँ हैं, इन्हें मैं ऐसे खाऊंगा कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। इतने में मगरमच्छ के पास एक जल कन्या आती है। क्या तुम मुझे तालाब की सैर कराओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। वो दोनों बहुत दूर तक सैर करते हैं। मगरमच्छ सोचता है यही अच्छा मौका है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। मगरमच्छ जल कन्या को मार देता है। बाद में जल महारानी के पास जाकर कहता है, महारानी जी, हमारे तालाब में एक भयंकर मगरमच्छ आ गया है। इसके पास तो जादुई शक्तियां भी हैं। उसी ने हमारी जल कन्या को मार दिया। मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सका। अभी वह मगरमच्छ कहाँ है? महारानी जी, वह तुरंत गायब हो गया। आज से तुम तालाब के रक्षक हो। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दे रही हूँ। उस भयंकर मगरमच्छ को हमारे तालाब में प्रवेश करने मत देना। ठीक है रानी साहिबा। मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है और हर दिन इसी तरह एक जलकन्या को दूर ले जाकर मार कर खा जाता है। इस तरह तालाब में जल कन्याओं की संख्या कम होती जा रही थी। इससे महारानी ने मगरमच्छ से कहा, तुम्हें कितनी सारी शक्तियाँ दी है, लेकिन फिर भी तुम किसी को बचा नहीं पाए, क्यों? तब मगरमच्छ हंसता हुआ कहता है, रानी साहिबा, इस तालाब में अब तुम अकेली हो, अब तुम्हें भी मार दूंगा। क्या तुमने सारी जल कन्याओं को मार दिया? लेकिन क्यों? हमने बेचारा समझकर यहाँ पर आश्रय दिया था। उन सबको मार कर मुझे बहुत आनंद मिला। अरे मूर्ख, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी तुम्हें खत्म करती हूँ। अपने हाथ में रखे मंत्र दंड से मगरमच्छ पर आग छोड़ती है। मगरमच्छ भी अपनी शक्तियों से पलट कर वार करता है। इससे जल महारानी दूर चली जाती है। फिर मगरमच्छ के सारे शक्तियां छीन लेती है। इससे मगरमच्छ का आयुध गायब हो जाता है। तब मगरमच्छ कहता है, अरे मेरा आयुध कहाँ गायब हो गया? अभी भाग जाने में ही मेरी भलाई है। मुझसे बचकर तुम कहाँ जाओगे? इतना कहकर अपने मंत्र दंड से मगरमच्छ को तालाब से बाहर फेंक देती है। मगरमच्छ तालाब से कहीं दूर जाकर गिर के मर जाता है। तब से जल महारानी अपने जल कन्याओं का संरक्षण करते रहती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।